जो ये चीज़ है भाई, ये चीज़ की मैचिंग की गई है इसी बॉडी कलर के साथ से। मैं जो दोनों बटन दिए गए हैं, ये मोड का है और ये सेट का है। फ़ोन रिसीव, फ़ोन उठा सकते हो भाई। और ये चीज़ इसकी आपके फ़ाइबर की, ये चीज़ यहाँ से लेके स्टार्ट, ये चीज़ तो मेटल है बट ये चीज़ यहाँ से इसकी फ़ाइबर है। ये हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो यार आज हम खड़े हैं इंडस्ट्रियल एरिया फेस वन के सामने, जो प्लॉट नंबर 46 है और ये पंचकुला के अंदर पड़ता है। आप देख रहे हो टीवीएस है, एकम टीवीएस। तो इसमें आपको बता देते हैं आज हम किसका रिव्यू करने वाले हैं। आज अपने पास गाड़ी है टीवीएस की, जो है जुपिटर ZX, जिसमें ब्लूटूथ जो स्पेशल फीचर है उसका, वो ब्लूटूथ आ जाता है। तो आइए चलते हैं हम गाड़ी के पास, रिव्यू करने वाले हैं। वो हमारे पास खड़ी है यहाँ पे राइट साइड में TVS Jupiter Smart X Connect। तो भाई इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, पहले आप इसकी फ्रंट लुक की तरफ आइए। फ्रंट लुक में कैमरा घुमाओ। फ्रंट लुक में जो हेडलाइट्स हैं भाई, ये देखो, इसमें वाइट LED लाइट्स मिल जाती हैं हमें। और इसमें कोई LED डेरल वगैरह नहीं दे रखे, इंडिकेटर है हैलोजन वाले। और ये जो कलर है आप इसमें देख रहे हो, ये ब्राउनिश और रेडिश कलर की जो कलर आता है इसमें। और इसमें जो बैजिंग देख रहे हैं, इसका जो मेन फीचर है, स्पेशल फीचर, वो है इसका स्मार्ट एक्स कनेक्ट। TVS का लोगो आ जाता है यहाँ पे। और जो ये चीज़ है, इसमें आपको ये चीज़ फाइबर मिलती है, और ये चीज़ इसमें मेटल है, और ये आपको थोड़ा गार्ड मिला हुआ है फ्रंट में, ठीक है। अब करते हैं इसकी टायर सेक्शन की बात। तो टायर सेक्शन में आपको फ्रंट, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और जो टायर साइज है उसमें 12 इंच का इसमें टायर दिया जाता है। आ जाते हैं इसकी सीट्स पे भाई। सीट्स की जो कम्फर्ट है भाई, वो काफ़ी अच्छा है। लेदर फिनिश के साथ इसकी सीट्स हैं, जिसमें जो पिलियन के लिए इसमें आपको सेफ गार्ड मिल जाता है भाई। उसमें काफ़ी मैं देख पा रहा हूँ भाई, ये काफ़ी अच्छा है, मेटल का लगा हुआ है ये चीज़ इसमें। अब बात करते हैं मीटर की। तो भाई अब आ गए हैं मीटर पे। कंसोल देखो आ जाओ, जो ये चीज़ है भाई, ये चीज़ की मैचिंग की गई है इसी बॉडी कलर के साथ। ये देखिए, ये चीज़ आप सारी देख लो, इसमें मैचिंग की गई है। कोई ये चीज़ नहीं है कि ब्लैक आती है भाई, फिर बाद में पॉलिश वगैरह। इसमें आपको एक तो स्पेशल फीचर ही है भाई, इसमें आपको पॉलिश वगैरह करने की भी लोड नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इसकी बॉडी कलर के साथ अंदर वाली ये चीज़ मैचिंग की गई है। और ये मैं आपकी इसकी बात कर लेता हूँ, जो बटन्स दें, ये हमारा पासिंग स्विच हो गया, और ये इंडिकेटर है, और ये हॉर्न के प्लेसमेंट है, और ये आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए, वो जिससे रेड लाइट पे रुकते गाड़ी, वो चीज़ फीचर है। और ये आपका स्मार्ट कनेक्ट फीचर है भाई, जिसमें आप, ये हमारे जैसे गूगल असिस्टेंट होता है वही चीज़, ये चीज़ है। जैसे हम इसको बटन दबाएंगे तो आपके फ़ोन से कनेक्ट होगी ये चीज़ ब्लूटूथ के ज़रिए। आप कोई भी कमांड दे के आप अपनी नेविगेशन लगा सकते हो, और इससे हमारी स्टार्ट होगी। तो ऑन करके आपको मीटर की तरफ चलते हैं, और ऑन करके दिखाते हैं आपको। दो मीटर इसके तरीके से दिखता है, अगर देखो, अगर लेफ्ट दबाएंगे कुछ इस तरीके हमें साउंड सुनने को मिलेगी, और राइट का इंडिकेटर दबाएंगे तो ऐसा साउंड मिलेगी। और इसमें आपको देखो यहाँ पे इंडिकेशन शो हो रहा है आपको फ्यूल का, तो इसमें फ्यूल कम है तो उसका इंडिकेशन आ रहा है। और ये हमें माल फंक्शनिंग के लाट आ रही है, यानी इंजन लाइट, ठीक है। इस जो मीटर दे रखा भाई, पूरा फुली डिजिटल मीटर है। इस साइड आपको मिल जाएगी भाई टेम्परेचर की टेम्परेचर मीटर है, और इस साइड आपको फ्यूल मीटर मिल जाएगा, और ये हमारे यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाएगा। और ये ट्रिप है भाई, सारा मतलब सिस्टम भी चेंज होएगा भाई, इससे चेंज होएगा। ये बटन दे रखे हल्का सा, देखिए आपको ये नीचे रहा बटन, देखो ये निचली साइड बटन है इसका। ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये ट्रिप एफ फ्यूल, कि इसके बाद कितने किलोमीटर और चलेगी। और ये है ट्रिप ए, ट्रिप बी, इससे ये फंक्शन होती है। और इससे ये हमारा वही है जैसे हमारा जुपिटर 125 में बताया था मैंने आपको, ये मोड सेट करने का और ये सेट करने का, कि हमें कोई भी क्लॉक वाइज सेट करने। सेम जुपिटर 125 वाला सिस्टम है, जो दोनों बटन दिए गए हैं, ये मोड का है और ये सेट का है। इसमें जो स्पेशल फीचर है भाई स्मार्ट एक्स कनेक्ट, ये जो चीज़ है भाई हमारी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप अपने इसमें फ़ोन रिसीव, फ़ोन काट सकते हो भाई। तो इससे नहीं पर कटेंगे, वो आपको सिर्फ यहाँ पर शो करेगा कि आपका फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा फ़ोन आ रहा है, तो आप इससे ही कर सकते हैं भाई सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें आपको, अगर इसमें एक चीज़ हो रहा है जो मेन फंक्शन है, जब इसमें GPS लगा होता है ना भाई, वो चीज़ आप इंडिकेशन करता है कि कोई रोड्स वगैरह आ रहा था, लेफ्ट में मुड़ना है, राइट में मुड़ना है, वो चीज़ यहाँ पे शो करेगा आपको सब। और यहाँ पे देखो TVS का लोगो भी आ रहा है। तो इस तरीके का हमारा जो मीटर कंसोल है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस आ चुके हम रियल लुक की तरफ,
रियर लुक में आप देखोगे जो पिलियन के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे बैजिंग दे रखी है जुपिटर की, तो काफ़ी अच्छी लग रही है बैजिंग। और नीचे दिया हुआ है TVS का लोगो जो कि है फ्यूल लीड है। फ्यूल लीड ओपन करते ही इसमें आपको 6 लीटर आप इसमें भरवा सकते हो, वो दिक्कत की बात नहीं है। और पीछे कुछ इस तरह के लुक है, और कुछ ये LED टाइप इसमें हेड लाइट मिल जाती है, और ये इंडिकेटर प्लेसमेंट दे रखी है हमें दोनों साइड में, और ये चीज़ सारी इसकी मेटल की आती है जो आप देख पा रहे हो। पार्ट था फाइबर का वो मैंने बता दिया, वो अगली साइड पार्ट है, बाकी ये चीज़ तो प्लास्टिक की आती है इसमें। और आगे साइड लुक में भाई क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जुपिटर की ZX की बैजिंग दी हुई है, और ये भाई लेडीज़ के लिए आपको फुटरेस्ट मिल जाता है यहाँ पे, और ये किक यहाँ पे अवेलेबल है आपको। तो अब बात कर लेते हैं भाई पैडल्स की, जो पैडल की फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है। ये देखो पूरी टैक्सी की आवाज़ आती है भाई, मतलब लगता है कि काफ़ी स्मूथ है भाई ये चीज़। तो ये चीज़ हो गया, और आप इसका फुट रैंप आपको दिखा देता हूँ भाई। ये चीज़ है, आप ये समझना है कि इसका आपको मैंने बताई दिया भाई, इसके फ्यूल लीड पीछे है, तो उसमें जो पेट्रोल वगैरह वो पीछे ही आएगा आपको इसमें। तो ये चीज़ आपको स्पेस काफ़ी अच्छा है इसमें, आप काफ़ी सामान वगैरह ईजिली आपका आ जाएगा यहाँ पर भाई। और आपको ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो उस सामान वगैरह अगर टंगना है यहाँ पर आप 3 kg का वेट कैरी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिल जाती है USB कनेक्टर, ये USB कनेक्टर आ गया, और इसमें 2 लीटर का आपको मोबाइल वगैरह चार्जिंग के लिए यहाँ आपको स्पेस दिया गया है। आप इसमें कुछ भी सामान वगैरह रख सकते हो कि 2 लीटर की स्पेस है। तो भाई आप बात कर लेते हैं भाई इसके साइलेंसर की, तो साइलेंसर पे आपको जो वो बैजिंग दे रखी है वो CVT IBS6 की बैजिंग दी हुई है भाई, क्योंकि ये CVT या भाई कॉन्टीन्यूशनली वेरिएबल ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ यहाँ से आती है, इसके अंदर ही कनेक्ट है, और नीचे से आपको ये चीज़ दिखाते हैं। और ये चीज़ इसकी आती है फाइबर की, ये चीज़ यहाँ से लेकर स्टार्ट, ये चीज़ तो मेटल है बट ये चीज़ यहाँ से इसकी फाइबर है, ये चीज़ यहाँ से लेकर ये वाली मेटल है। तो ये तो बात थी, अब मैं इसको उतार के दिखाता हूँ भाई ये कितना ईजी है। कोई लेडीज़ वगैरह भी लेती है अगर इसको, तो उतार के हम दिखाते हैं भाई कितना ईजी है इसको स्टैंड पर लगाना और उतारना। तो भाई ये देखो ये तो ईजिली उतर चुकी है, अब इसको लगाना कितना आसान है वो आपको मैं बता देता हूँ भाई। इसको बस हल्का सा पैर रखना इधर, वही देख, क्योंकि इसका मैं आपको वेट बता देता हूँ, इसमें 109 किलो इसका वज़न है। तो भाई ये अगर लेडीज़ वगैरह भी इसको लेते हैं तो उसके इनको मेन स्टैंड पे लगाना है, तो कोई दिक्कत की परेशानी वाली बात नहीं है, इसको आराम से भी आप लगा सकते हो मेन स्टैंड पे। तो गाइस आ चुके हैं मिरर पे, मिरर की भाई जैसे जुपिटर 125 में आते हैं वैसे क्रोम फिनिशिंग दे रखी है मिरर के ऊपर। और आपको जो भाई हैंड ब्रेक दी हुई है वो यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी हैंड ब्रेक है भाई, ईजिली लग जाती है ऐसे देखो, तो उस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही आप रिलीज़ कर सकते हैं इसको। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कॉन्क्लूजन की, कॉन्क्लूजन भाई ये निकल के आते हैं भाई, अगर जिसको माइलेज वगैरह लेनी हो उससे 50 से लेकर 55 के बीच में आपको इजीली ये लोकल सिटी में मिल जाएगी आपको इसकी माइलेज, क्योंकि 110 cc है ठीक है, और चलाने में बेहतर है भाई। इसका टेस्ट रिव्यू भी हम जल्दी हमारे चैनल पर लेके आने वाले हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो के साथ बने रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भाई ये किन के लिए है, जिन्होंने लोकल वगैरह चलानी है भाई, और जिनको माइलेज अच्छी लगती है। और आपकी इसकी टॉप स्पीड की बात करें, टॉप स्पीड भाई इसकी 85 इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड जाती है, और इसमें आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस बताते हैं भाई, ये पड़ती है यहाँ पे इन पंचकूला में 81,500 की एक्स शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड की बात कर लेते हैं इन हरियाणा पंचकूला में, तो ये पड़ती है 95,000 के करीब। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो भाई तो एक काम TVS में आके आप विज़िट कीजिए भाई, आपका इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डीलर्स का नंबर वगैरह दे दूंगा, जिससे आप उनसे कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो यार इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, नमस्कार।